जय हिंद दोस्तों मैं निधिबेन चौहान तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और एटीन ये दोनों क्वेश्चन आपके ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें ऐसे लॉजिक नहीं लगाने हैं फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे स्टार्टिंग में हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लिखे थे अब कुछ और फार्मूला हैं वो भी हम लिखेंगे जैसे क्वेश्चन सत्रह है और उसके लिए फॉर्मूला है पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू वन ओके ये फार्मूला आपको सभी नोट करने हैं पी ए डैश इज इक्वल टू वन माइनस पी ए यानी कि फार्मूला आगे की एक्सरसाइज में भी रिपीट होंगे ये सभी जैसे पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू वन होता है और इन्हीं में से ए और ए डैश ए डैश मतलब ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ना दोनों का टोटल वन होता है दोनों का टोटल वन होता है जिसमें से कोई भी इवेंट अगर ढूंढेंगे, तो अगर ए डैश ढूंढना हो तो ए डैश अगर ढूंढना है तो वन माइनस पी ए या अगर पी ए ढूंढना है तो वन माइनस पी ए डैश ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ओके okay? ये तो बेसिक फॉर्मूला है पहले भी एक बार यूज़ हुई थी अब फॉर्मूला आती है डिफरेंस इवेंट की ये डिफरेंस इवेंट है हमारा ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ओके स्टार्टिंग में समझा था डिफरेंस इवेंट तो ए डिफरेंस ए डिफरेंस बी हो तो उसकी फार्मूला लगती है पी ए डिफरेंस पी ए इंटरसेक्शन बी अगर बी डिफ्रेंस ए हो तो उसकी फॉर्मूला लगती है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ओके उसे लिखा जाता है और देखो डिफरेंस ईवेंट होता है ना उसी डिफरेंस ईवेंट को दूसरी वे में भी लिखा जाता है ए डिफरेंस बी तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ओके उसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ओके मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट्री बी के अलावा इवेंट तो वो डिफरेंस ही कहलाता है एक तरह से ये इसको लिखने की दूसरी मेथड फॉर्मूला उसमें से अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश तो वो डिफरेंस इवेंट ही हुआ ए डिफरेंस बी जिसकी फार्मूला वही रहती है पी ए डिफ्रेंस पी ए इंटरसेक्शन बी एग्ज़ाम में ये पूछें ये डिफरेंस इवेंट ही कहलाता है या बी डिफरेंस ए हो तो उसको लिखा जाता है बी डिफरेंस ए हो तो उसको लिखा जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी उसको भी वही क्या पी बी डिफरेंस देखो सेम ही है ना बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है या दूसरी फार्मूला आती है वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कंबाइन कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ओके दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री ए और बी यहाँ पर दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है उसका इंटरसेक्शन तो उसकी फॉर्मूला आती है वन डिफरेंस पी ए यूनियन बी ये जो आपके फॉर्मूला है ये आपके वन पॉइंट थ्री में अच्छे से क्लियर होंगे उसमें ये सेंटेंस वाइज हैं अभी तो खाली फॉर्मूला दी हुई है आपको या अगर ए ए डैश यूनियन बी डैश करो तो उसकी फार्मूला होती है वन डिफरेंस पी ए इंटरसेक्शन बी ओके यूनियन का इंटरसेक्शन इसी को ही इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे ए डैश यूनियन बी डैश हो तो उसी को ही लिखा जाता है एनियन बी डैश ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला पूरे का कॉम्प्लीमेंट्री डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री दोनों की सेम या अगर ए डैश यूनियन बी डैश हो तो उसे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश फॉर्मूला उसमें भी दोनों में सेम तो फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं अब जैसे क्वेश्चन सत्रह है सीधी हमें वैल्यू फाइंड करनी है दिया है फॉर टू इवेंट ए एंड बी इन अ सैम्पल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ए पी ए बराबर जीरो पॉइंट सिक्स पी बी बराबर जीरो पॉइंट फाइव एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फिफ्टीन तीनों दिए हुए हैं ये ज़ीरो पॉइंट फिफ्टीन हाँ तीनों दिए हुए हैं ज़ीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट फिफ्टीन और उसके ऊपर से वैल्यू ढूंढनी है जैसे देखो सबसे पहले ढूंढना है सबसे पहले यहाँ पर ढूंढना है नंबर वन पी ए डैश यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड करें तो सबसे पहले पी ए डैश हमें ढूँढना है तो पी ए डैश की फार्मूला ये फार्मूला है पी ए डैश की क्या फार्मूला है वन माइनस पी ए ओके यही फार्मूला है ना वन माइनस पी ए तो वन माइनस पी ए यानी कि ज़ीरो पॉइंट सिक्स हमें गिवन है यहाँ पर है ना पी ए की वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जीरो पॉइंट फोर ये हो गया पहले का आंसर ओके अब टू है टू है यहाँ पर पी बी डिफरेंस ए अब पी बी डिफरेंस ए का फार्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या फार्मूला है हमारा पी बी डिफरेंस P A इंटरसेक्शन B ये हमें फार्मूला मिला ओके तो P B यहाँ पर है ज़ीरो पॉइंट फाइव माइनस P A इंटर B यहाँ पर है ज़ीरो पॉइंट फिफ्टीन तो आंसर हमारा आएगा ज़ीरो पॉइंट थर्टी फाइव ओके ये क्वेश्चन हो गया सेकंड का ये आंसर हो गया सेकंड का फिर थर्ड में पूछा है थर्ड इसमें पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ओके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला मतलब एक तरह से ए डिफरेंस बी ही कहलाया ए डिफरेंस बी ही कहलाएगा खाली लिखने की मेथड अलग है ए इंटरसेक्शन बी डैश तो उसकी फॉर्मूला रहेगी ए इंटरसेक्शन बी डैश तो इसकी फॉर्मूला रहेगी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ओके ये फॉर्मूला रहेगी इसकी है ना देखो सेम ही है डायरेक्ट फार्मूला ही इनमें पुट करनी है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर तो उसमें वैल्यू आएगी पी ए पी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट सिक्स है ना पी ए की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट सिक्स माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट फिफ्टीन सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी है यहां पे इसका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव ओके फोर्थ में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर कहें तो कोई बुक में छपा है और कोई बुक में नहीं पुरानी बुक में ये क्वेश्चन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो छपा है किसी में नई बुक में नहीं छपा है डायरेक्ट आगे का क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी डैश ये दिया हुआ है ये नहीं छपा है सही बात है क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर आपकी बुक में छपा है तो उसकी फॉर्मूला आती है वन माइनस पी ए यूनियन बी वन माइनस पी ए यूनियन बी और ए यूनियन बी की वैल्यू इसमें नहीं दी गई है तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी ए यूनियन बी ढूंढने के लिए आगे की एक्सरसाइज में पूरी मैथड आती है वो मैथड फिलहाल नहीं है तो कोई बुक में ये क्वेश्चन छपा है कोई में नहीं छपा है किसी में डायरेक्ट क्वेश्चन यही छपा है क्वेश्चन फोर फोर पे दिया है यहाँ पे पी ए डैश यूनियन बी डैश ओके okay? ये छपा है और इसकी फार्मूला है देखो ए डैश यूनियन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश यानी कि इसका फार्मूला है वन माइनस पी ए डैश यूनियन वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी ये इसका फॉर्मूला तो वन जिसकी वैल्यू भी दी गई है पी ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो पॉइंट फिफ्टीन माइनस जीरो पॉइंट फिफ्टीन तो इसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट एट फाइव ये हो गया हमारा पहला सत्रह क्वेश्चन फिनिश अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन सॉरी एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन तो क्वेश्चन नंबर एटीन उसमें दिया है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ए डैश हमें यहाँ पर दिया है पी ए डैश इज इक्वल टू टू पी बी डैश इज इक्वल टू थ्री पी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स ओके ये हमें यहाँ पर दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इवेंट ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए हमें फाइंड करना है ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए ओके तो ये दोनों ढूंढने हैं ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए तो उसके लिए फार्मूला आती है तो ये ढूंढने के लिए पहले इनकी वैल्यू ढूंढनी होगी और इनकी वैल्यू के लिए यहाँ पे कंडीशन है तो कंडीशन कुछ ऐसी है पी ए डैश इज इक्वल टू टू पी बी डैश इज़ इक्वल टू थ्री पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स ये तीन कंडीशन है तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक रखेंगे हम ये जो तीन तीन वैल्यूज़ दी गई है और आखिरी में ज़ीरो पॉइंट सिक्स दिया है तो अगर इक्वल करके दी गई है तो हम इन सबको वन वन स्टेप करके ज़ीरो पॉइंट सिक्स के साथ लिख सकते हैं क्योंकि सब में इक्वल टू है है ना मतलब जो ये पहला कंडीशन है पी ए डैश उसको भी हम ज़ीरो पॉइंट सिक्स लिख सकते हैं तो सब इक्वल टू में जो दूसरा कंडीशन है टू पी बी डैश उसको भी ज़ीरो पॉइंट सिक्स हम लिख सकते हैं बराबर में तीनों कंडीशन को जो इक्वल टू में है सबको एक एक करके ज़ीरो पॉइंट सिक्स के साथ लिखेंगे तो वैल्यू मिलेगी मतलब पहली कंडीशन लिखें तो पी ए डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स ये वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो पॉइंट सिक्स लेकिन हमें फॉर्मूला में चाहिए होता है पी ए ए डैश में नहीं चाहिए हमें फार्मूला में चाहिए पी ए क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होती है हमारी वो होती है वन माइनस पी ए अभी हमने सीखा था ना पीछे वन माइनस पी ए तो इसलिए हमें फॉर्मूला में पी ए चाहिए होता है ओके फॉर्मूला में चाहिए ए डैश नहीं चाहिए हमें ए डैश नहीं चाहिए हमें चाहिए पी ए ओके डिफरेंस ढूंढना है तो पी ए चाहिए तो ए डैश पर से ए ढूंढ सकते हैं कैसे ऐसे ढूंढ सकते हैं देखो पी ए बराबर वन माइनस पी ए डैश ओके इस तरह से हम पी ए फाइंड कर सकते हैं फार्मूला लगाकर तो ये फार्मूला की हेल्प से कि यहाँ पी ए फाइंड कर सकते हैं तो पी ए इज़ इक्वल टू वन माइनस पी ए डैश इज़ इक्वल टू वन माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स क्योंकि पी ए डैश बराबर है ज़ीरो पॉइंट सिक्स तो इसका आंसर होगा ज़ीरो पॉइंट फोर ये हमें मिल गया पी ओके पहली कंडीशन को ज़ीरो पॉइंट सिक्स के साथ लिखा अब दूसरी कंडीशन यानी कि यहाँ कर लेते हैं टू पी B डैश उसको लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट सिक्स के साथ मतलब यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट सिक्स लिख देंगे तो पी बी पी बी डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स इस टू को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो पॉइंट थ्री है ना कट हो जाएगा तो ये हो गया ज़ीरो पॉइंट थ्री यानी कि पी बी डैश हमारा आ गया ज़ीरो पॉइंट थ्री तो अब फार्मूला में हमें बी चाहिए बी डैश नहीं तो ए हो या बी हो ढूंढेंगे मतलब किससे इसी फॉर्मूला से पी बी अब यहाँ पे हम पी बी ढूँढेंगे क्योंकि पी बी डैश तो हमें मिल गया अब हम पी बी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस पी बी डैश ओके यानी कि वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री है ना पी बी ढूँढने के लिए हमें फार्मूला लगाना है वन माइनस पी बी डैश तो बी बी डैश कितना था जीरो पॉइंट थ्री तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन ये हमें मिल गया पी बी ये हमें मिल गया पी ए ओके ये मिल गया पी बी अब तीसरा इवेंट इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं तीसरा इवेंट इन्होंने दिया है थ्री पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सबको ज़ीरो पॉइंट सिक्स के साथ ही रखना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स अपॉन थ्री ओके इसको भी ज़ीरो पॉइंट सिक्स के साथ लिखें तो इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना हो तो थ्री ये जो थ्री है ये डिवाइड में चला जाएगा तो जीरो पॉइंट टू हमारा आंसर आएगा ओके अब ए इंटरसेक्शन बी तो पूरा ही चाहिए दोनों में ये तीन वैल्यू मिल गई अब ये डिफरेंस ढूंढें जो पूछा है मतलब हम लोग फाइंड करें क्या फ़ाइंड करना है हमें पी ए डिफ्रेंस बी ठीक है तो इसका फार्मूला क्या होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ओके तो पी ए हमें कितना मिला पी ए पी ए का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर पी ए का फार्मूला होता है वन माइनस पी ए डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ओके यहाँ पे हमने लगा दिया ये फॉर्मूला पी ए का फॉर्मूला होता है वन माइनस पी ए डैश ओके तो यहाँ पर वन माइनस पी ए डैश की वैल्यू हमने फाइंड की थी पीछे ज़ीरो पॉइंट सिक्स ओके माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया है ज़ीरो पॉइंट टू तो यहाँ से आया ज़ीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू ये हो गया हमारा ए डिफरेंस बी अब हमें फाइंड करना है बी डिफरेंस ए तो बी डिफरेंस ए फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है हमारा वो है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये फॉर्मूला अब पी बी को हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस पी बी डैश ओके ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ओके तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे अब वन माइनस पी बी डैश की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी ज़ीरो पॉइंट थ्री माइनस तो पी ए इंटर बी की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट टू देखिए कितना इजीली सम हमारा होता जा रहा है ये माइनस है यहाँ पर अब वन माइनस ज़ीरो पॉइंट थ्री यानी कि ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन माइनस ज़ीरो पॉइंट टू तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव ओके कितना इजीली सम हो गया हमारा बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला को ध्यान करना है एक बार ये आप लर्न करेंगे सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा और इसके अगली जो एक्सरसाइज है वन पॉइंट थ्री उसमें हम सभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ईजीली ये फार्मूला समझ में आएंगे ओके तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत